अपने प्रखंड क्षेत्र से रिपोर्टिंग करने के लिए हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 8002820182। बंशीधर नगर से चुनमुन की रिपोर्ट। बंशीधर नगर थाना अंतर्गत हुलहुला खुर्द पंचायत की मुखिया प्रत्याशी सुशीला देवी के पति वीरेंद्र प्रसाद ने थाने में विपक्षी प्रत्याशी ज्योति देव के पति और अधिवक्ता साकेत प्रताप देव समेत चार लोगों के विरुद्ध मारपीट करने संबंधी FIR दर्ज कराई है। उधर साकेत प्रताप देव ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। थाने में दिए आवेदन में वीरेंद्र प्रसाद ने लिखा है कि वे चुनाव प्रचार के समाप्ति के बाद बीती रात्रि वे अपने समर्थकों को छोड़ने उनके घर जा रहे थे। इसी क्रम में विपरीत दिशा से आ रहे अधिवक्ता साकेत प्रताप देव व उनके समर्थकों प्रेम शंकर प्रताप देव, रजनीकांत देव एवं शशिकांत देव ने जान से मारने की नीयत से उनके वाहन को घेर लिया और बुरी तरह मारा पीटा। इस घटना के बाद रविवार की रात में वीरेंद्र प्रसाद को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद सोमवार को सुबह उन्हें छुट्टी दे दी गई। वीरेंद्र प्रसाद के आवेदन पर पुलिस ने उपरोक्त चारों लोगों के विरुद्ध नामजद FIR किया है। वीरेंद्र ने पुलिस प्रशासन से अपने और अपने समर्थकों की सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। उधर इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए साकेत प्रताप देव ने कहा कि उनके विरोधी हार को देखते हुए बौखला गए हैं। मैंने या मेरे किसी समर्थकों ने किसी के साथ मारपीट नहीं की है। मैं और मेरा परिवार हमेशा गरीब और दबे कुचले लोगों के साथ रहकर उनकी समस्याओं को दूर करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र प्रसाद दारू, गांजा, लकड़ी की तस्करी करते हैं, उनका कोई जनाधार नहीं है। अपना हार देख वे गलत आरोप लगाकर सहानुभूति वोट बटोरना चाहते हैं। रात में क्या हुआ था? हम घर आ रहे थे एक आदमी के छोड़ के, इसके बाद देखे साकेत प्रताप देव अपना गाड़ी से आ रहे थे मोटरसाइकिल से, उनके साथ 10-15 आदमी के। उतरे और कहे कि कहाँ से आ रहा है, इसको वीडियो बना। हम लोग कहे कि बना लीजिए वीडियो, जो भी अच्छी करना है। तो कह रहे हैं कि रात के घर से कैसे निकल गया तुम, लड़ेगा तू हमारा खिलाफ चुनाव, इतना औकात हो गया, इतना पैसा तुम्हारे पास है तो दीपक जी के बल पर तुम हो। फिर वो गाड़ी गिरा के कह रहे कि अरे मारो मारो, धाका मार दिया। इसके बाद लगे सब मारने, फिर टांग के ले जाने लगे गाड़ी में लादने के लिए, चल के इसको काट के बिक दो इसको। और वही किसी तरह से मारते मारते हमको अथी कर दिए, लाते मुँह के खूब मारे, और बाद किसी तरह से तो हम अथी करके भाग। कब आए अस्पताल में? अस्पताल कब आए? रात में आए। थाना को सूचना दिए थे? थाना का हाँ सूचना दिए। वो है थाना में विक्रम जी, वो फोन किए कि ऐसा है कि रात में मत आइए, सुबह 7 बजे आइए। फिर थाना प्रभारी से नेताजी बात किए तो बोले कि अब सुबह आइए, अब रात में कुछ नहीं होगा। कौन कौन था उनके साथ? उनके साथ थे साकेत प्रताप देव, रजनीकांत प्रताप देव, शशिकांत प्रताप देव और प्रेम शंकर प्रताप देव, यही सब थे। हम लोग थे 15-20 आदमी। शायद से अधिवक्ता साकेत प्रताप देव बोल रहा हूँ। बीती रात इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है, जैसा कि वीरेंद्र साहब के द्वारा इस तरह का सिगुफा रचा जा रहा है। ओनली टू गैदर द सेंटिमेंट ऑफ द वोटर्स और उन लोग का सहानुभूति लेने के लिए इस तरह का किया जा रहा है। मेरी पृष्ठभूमि ये है कि मैं पेशे से वकील हूँ, मेरे पिताजी वकील हैं, मैं गरीबों का मदद करता हूँ, करते आ रहा हूँ, पहले भी किया हूँ, मेरे पूरे खानदान में यही फितरत रहा है। और वीरेंद्र साहब का पृष्ठभूमि यही है कि शराब चुलाते हैं, कितनी बार जेल गए हैं और गांजा बेचते हैं, लकड़ी काटकर जंगल में लकड़ी बेचते हैं, सुअर का शिकार करते हैं जंगल में और दबंगई दिखाते रहते हैं और सुअर का मांस को भी बेचते हैं। उनकी यही पृष्ठभूमि रही है और यहाँ की युवा को भड़का रहे हैं और उड़ता पंजाब बनाना चाह रहे हैं। जबकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इस क्षेत्र में, मैं मुखिया प्रत्याशी के रूप में अपनी पत्नी को खड़ा किया हूँ, तो उन लोग को ये चीज़ रास नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि कितनी बार वो जेल जा चुके हैं इस तरह के कांड में और उनका बैकग्राउंड ही यही है। जनता से अपील करूंगा कि इस तरह के अफवाह में ना आवे और झूठा बात वो फैला रहे हैं। इस तरह के अफवाह में कोई भी जनता, युवा वर्ग यहाँ के ना आवे इस तरह के अफवाह में। मैं अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा
नम्र निवेदन करूंगा। इसी के साथ मैं सभी को नमस्कार, प्रणाम, आदाब और सलाम करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।